YouTube आगे स्पोर्ट डायरेक्ट। यहाँ पे बहुत म्यूजिक है। मुझे वो सुबह गानी पड़ेगी। लगी? अच्छा समोदी पियें। वाह। लेकिन सच्ची में शॉप नहीं कर। फैमिली कैसे हैं जी सब उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी ठीक हैं जी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा कि लोग फिर रहे हैं यहाँ पे पार्क में इतना अमेजिंग वेदर है तो सब लोग निकले हुए हैं अपने अपने घरों से बाहर क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है बहुत अच्छा वेदर है तो यहाँ भी देखें इधर तो वेरी नाइस वेदर सब लोग देखें वहाँ पे भी बैठे हुए हैं खेल रहे हैं जी तो बेसिकली यहाँ पे यूके में जो है ना हॉलीडेज जो है अब स्टार्ट हुई हैं पाकिस्तान में तो आपको पता है कि कब से स्टार्ट हुई हैं है लेकिन यूके में आपको पता है कि सिर्फ़ एक मंथ की होती हैं अगस्त के मंथ की और अब यहाँ पे जो है ना स्टार्ट हो गया हॉलीडेज जिसकी वजह से आपको हर तरफ गहमा गहमी और रौनक नज़र आएगी अभी मजा आएगा ना भिड़ो के साथ जाएरा जहाँ भी जाना होगा जहाँ भी आपको नजर आएंगे तो बच्चे साथ साथ ही होंगे तो आज जो सारा व्लॉग था ना तो वो मेरा बाहर का ही था जैसे कि मैं पार्क में गई थी वॉक वगैरह करने के लिए गई थी फिर हम लोग चले गए थे जी की शॉपिंग करने के लिए थोड़ी बहुत उसकी शॉपिंग करने के लिए चले गए थे कश्यफ और मैं हम तीनों चले गए थे तो आज मैंने सोचा कि आज कोई कुकिंग वगैरह नहीं है जिसमें मैंने कुछ एक्सप्लेन करना है आपको या कुछ बताना है मैंने सोचा कि आज कोई ना एक टॉपिक रखते हैं जिसके ऊपर मैं बात करती हूँ ये बड़ी अच्छी बात कही है आप करती हूँ यूके और पाकिस्तान की लाइफ को कंपैरिजन थोड़ा सा करते हैं कि क्या प्लस पॉइंट है यहाँ पे क्या नेगेटिव और पॉजिटिव वो थोड़ा सा दोनों को लाइफ को हम ना कंपैरिजन करते हैं दोनों का कि क्या मतलब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ के लाइक मौसम के बारे में तो हम लोग जैसा कि जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि हम लोग इटली से यहाँ पे मूव हुए थे और पाकिस्तान और इटली के वेदर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था वहाँ पे इस कदर यहां का जिस तरह का वेदर है इस तरह नहीं होता वहाँ और पाकिस्तान में जैसे पाकिस्तान में माशाल्लाह से चार मौसम होते हैं और चारों मौसम जो है ना अच्छे होते हैं मतलब अपनी अपनी पीक पे होते हैं गर्मी हो सर्दी हो बहार हो जो भी मतलब सारे मौसम जो होते हैं ना वो अपने अपने उस पर पीक पे होते हैं जिस तरह जिस तरह वेदर आता है लेकिन यहाँ यूके में बिल्कुल डिफरेंस है यहां पे डिफरेंट है क्योंकि यहां पे हर वक्त सर्दी और बारिश ज़्यादातर पूरा साल जो होता है ना सर्दी और बारिश में गुजर जाता है बहुत काम होता है कि यहाँ पे धूप निकले आपको स्वेटिंग हो विटामिन डी मिले तो जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादातर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है ज़्यादातर लोगों में <laughs> <laughs> दर्द हो रही है मेरे बाजुओं में दर्द हो रही है तो आपको पता है कि जो है बोन्स में जो पेन वगैरह होती है ये ज़्यादातर विटामिन डी की कमी की वजह से होती है स्टार्ट में जब मैं आई थी तो आते ही मुझे कुछ अर्से के बाद मतलब मैंने जब अपॉइंटमेंट डॉक्टर से अपने से बनाई तो मेरा मतलब उन्होंने बताया कि तुम्हारे में विटामिन डी की आते ही यहाँ पर कमी स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी तो उन्होंने मुझे कोर्स भी करवाया वो कैप्सूल से होते हैं एक बड़े अच्छे से कैप्सूल होते हैं तो वो वाले कैप्सूल कैप्सूल वगैरह भी उन्होंने मुझे दिए तो अल वैदर का सबसे बड़ा यही है कि वहां पाकिस्तान में आप हर वैदर को एंजॉय करते हो यहाँ पे तो आपको ना मुझे बहुत ज्यादा सबसे नेगेटिव पॉइंट जो था ना यहाँ पे ये था कि वैदर बहुत खराब होता है बहुत खराब होता है और अच्छा अगर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कि यहां पे जो होती हैं ना खातीन जो होती हैं वो बहुत ज्यादा ही बिजी होती हैं क्योंकि घर के भी आपने सारे खुद काम करने हैं बाहर से बच्चों को पिक एंड ड्रॉप सब कुछ आपने खुद करना है और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि आप बच्चे को कभी भी छोटे बच्चों को स्पेशली आप 16 से जो कम एज के बच्चे होते हैं आप उनको घर में अकेला छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे अलाव नहीं होता अगर आप बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए हो और आपके नेबर ने या किसी ने भी आपकी कंप्लेन कर दिया है तो वो आपके बच्चों को ले जाएंगे और बड़ी मुश्किल से वो आपके बच्चों को फिर वापस करते हैं अरे कहना क्या चाहते हो आजकल बहुत ज्यादा यहाँ पे चल रही है कि एक दो घरों में अभी न्यूली बिल्कुल हमने ये सुना मतलब वो ले गए उनके बच्चों को तो ये भी ये देखें ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है पाकिस्तान में ये चीज नहीं होती बिल्कुल भी इटली में भी इतनी ज्यादा नहीं होती थी अक्सर हम लोग कश्यप लोग छोटे होते थे दस बारह साल के तो छोटे भाई को उसके पास छोड़ के चले जाते थे लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट की तरफ चला जाता है कि क्योंकि अगर आपको मजबूरी है अगर सारे बच्चों का आप साथ नहीं लेके जा सकते लेकिन यहाँ पे अलाव आपको बिल्कुल भी नहीं होता अच्छा तो अभी बात कर लेते हैं जैसे कि मैंने वेदर का यहाँ पे बताया है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी ही होना चाहिए ताकि आप यहाँ पे आप क्योंकि अगर आपने बच्चों को छोड़ने लेने जाना है ज़रूरी नहीं आपके बच्चों के स्कूल आपके बिल्कुल घर के पास होंगे आप पैदल जा सकेंगे कई जगहों पर मेरे बच्चों के स्कूल इतने दूर थे कि मैंने आते ही यहाँ पर हालांकि मैंने इटली से जो था अपना ड्राइविंग लाइसेंस किया था लेकिन यहाँ पर आते ही मैंने वेट नहीं किया वहाँ पर मैंने दो साल तक कोई गाड़ी ड्राइव नहीं की अपने हस्बैंड की कभी कभी ड्राइव कर लेती थी कि बंदा ड्राइविंग भूल जा भूल ना जाए क्योंकि बच्चों के स्कूल भी बिल्कुल पास पास थे और मुझे जरूरत नहीं थी लेकिन यहाँ पे आते ही सबसे पहले जब मैंने वैदर देखा तो मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता चाहे आपके पास अच्छी बो टॉप की गाड़ी ना हो लेकिन आपके पास गाड़ी होनी ही चाहिए ये बड़ी अच्छी बात कही आप इस तरह के वेदर से आप बचा सकें उनको ले सकें उनको छोड़ सकें और क्योंकि अगर आप बच्चों को बसों में भेजते हैं मैं इस चीज में नहीं हूँ क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप बच्चों को बसों में भेजते हैं तो आपके बच्चों के लाइक like, बहुत ज़्यादा उसके उनके जो है ना मेंटली हेल्थ पे जो है ना बहुत ज़्यादा असर पड़ता है क्योंकि बसों में बहुत कुछ हो रहा होता है लड़ाई हो रही होती है झगड़ा हो रहा होता है ड्रग्स हो ड्रग्स वाले लोग भी फिर रहे होते हैं स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो अगर आप छोटे छोटे बच्चों को ही शुरू से आप बच्चों को बसों में भेजना शुरू कर देते हैं तो ये भी एक मतलब गलत चीज़ होती है बच्चों के लिए तो इसी वजह से यहाँ पर आते ही मैंने सबसे पहले गाड़ी ली थी ताकि मैं अपने बच्चों को इस तरह के एक तो बारिश और तूफ़ानी वेदर से बचा सकूँ और एक वैसे भी जा, जाहिर ही बात है कि बसों में मैं नहीं भेजना चाहती थी अपने बच्चों को सो तो मैंने शुरू से ले के यूनी तक कश्यप को मैंने खुद पिक एंड ड्रॉप किया है कॉलेज तक उसमा को किया है जिशान को अभी छोटा है उसको भी मैं पिक एंड ड्रॉप खुद करती हूँ तो बात यह है कि अब जैसे जैसे फिर बच्चे बड़े होते हैं माशाल्लाह से अपनी मतलब वो कर लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस कर लेते हैं अपनी अपनी गाड़ियाँ ले लेते हैं वो एक अलग चीज़ होती है लेकिन मैं वो होता है कि यहाँ पर आप स्पेशली जब आप किसी दूसरे मुल्क में होना तो आपको अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देना ही चाहिए तब समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो आगे काम आराम से कर सकते हैं जो कुछ भी उन्होंने करना होता है अच्छा फिर जैसा कि मैं बात कर रही थी कि आपकी हेल्थ बहुत ख़राब होती है हर बंदा यहाँ पे मल्टीविटामिन खा रहा होता है जिसको सुनते हैं कोई मैं कहती हूँ शायद ही कोई बंदा बच्चा हो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा हुआ है हर बंदा मल्टीविटामिन किसी ना किसी चीज़ की वजह से खा रहा है कोई ना कोई टेबलेट ले रहा है कोई ना कोई गोलियाँ खा रहा है कुछ ना कुछ वो खा रहा है क्योंकि किसी की भी हेल्थ हाँ हेल्थ जो है ना यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो यहाँ के बात कर लेते हैं एन की तो ये कंपैरिजन कर लेते हैं पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में आपकी अगर तबीयत ख़राब होगी आप एमरजेंसी में गए हो या वैसे ही किसी भी डॉक्टर के पास गए हो कोई ये जरूरी नहीं होता कि आप फलां डॉक्टर के पास ही जाओ आपके जिस भी एरिया में आप रह रहे हो बड़े सिटी में हो छोटे सिटी में हो आपके पास ढेरों डॉक्टर होते हैं अच्छे से अच्छा डॉक्टर होता है वहाँ पे एमरजेंसी का भी सारा मतलब वो होता है वहाँ पे तो आप कहीं भी जा सकते हो लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं आप कर सकते सबसे पहली बात यह है कि जिस डॉक्टर के साथ आप रजिस्टर हो आप वही डॉक्टर आपको अपॉइंटमेंट देगा और वही डॉक्टर चाहे आपको महीने की दे दो महीने की दे तीन महीने की दे दो हफ्ते की देखिए अरे कहना क्या चाहते हो क्या आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाएगी और आप जल्दी से मतलब डॉक्टर के पास चले जाओगे और आपको मेडिसन मिल जाएगी ये कभी भी नहीं हो सकता ये इतना यानी कि यहाँ पे देखने में आया लाइक बहुत जो ना गलत चीज़ है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है हालांकि इटली में भी उनका भी जो था ना ये मेडिकल बहुत ही अच्छा था कि आप डेली आपको आप जा सकते थे डॉक्टर के पास अपनी बारी के लिहाज से आपका चेकअप होता था ब्लड टेस्ट कुछ करना है जो भी आपने करना है ब्लड टेस्ट यहाँ पे करवाने हो तो वो आपसे पूछते हैं आपको किसने रेफ़र किया आपको किसने बोला आपने क्यों करवाने हैं अगर एक बंदे को तबीयत ख़राब है उसको फ़ील हो रहा है यानी कि वो स्लीपी फील कर रहा है या टायर्ड फील कर रहा है तो वो ज़ाहरी बात है वो आप सोचेगा कि मुझे ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए पता नहीं मेरे चीज़ में मेरे जिसमें में सॉरी किस चीज़ की डिफिशेंसी है तो ये सोच के जो है आप अगर चले जाते हो आप उनको कहते हो कि मेरा ब्लड टेस्ट कर दें तो वो सबसे पहले ये पूछते हैं आपको डॉक्टर ने बोला आपको किसने किस रेफ़र किया किसने रिकमेंड किया है मतलब वो बहुत से क्वेश्चन करते हैं और पहली बात तो यह है कि वो अपॉइंटमेंट इस तरह देते ही नहीं है जब तक डॉक्टर ना कहे तो लेकिन यहाँ पे ज़ाहरी बात है मेरे तो माशाल्लाह इटली में ही सामाजिक शान लोग पैदा हुए हैं यहाँ पे कुछ लोगों से जैसे नॉर्मल आप बाहर नि, निकलते हो लोगों से बात वगैरह होती है तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना ख़्वीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं उनके चेकअप का उनके हर लिहाज से उनके घर आके चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर यह देखा जाए तो ये प्लस पॉइंट है एक और पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं होती पाकिस्तान में बहुत काम यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी के दौरान हम कितनी यानी कि खवतिन को देखते हैं कि उनकी डेथ हो जाती है और मतलब वो गलत तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है तो यहाँ पे यह देखा जाए तो ये चीज़ प्लस पॉइंट में आ जाती है कि प्रेगनेंसी में आप, <riots> आपकी ये बहुत केयर करते हैं और पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है दोनों मुल्कों में कहीं भी आप रह रहे हो मैं तो इस वक्त तो पाकिस्तान और जाहिर बात इंग्लैंड की बात कर रही हूँ यूके की बात कर रही हूँ कंपैरिजन कर रही हूँ तो वो मैं इनके प्लस और जो है ना नेगेटिव पॉइंट बता रही हूँ तो दोनों में ये देख लें कितने मैंने पॉइंट इधर प्लस पॉइंट भी हैं नेगेटिव भी हैं इसी तरह पाकिस्तान में नेगेटिव भी हैं प्लस भी हैं तो आगे भी हम मस्जिद अभी मैं आपसे बात करती हूँ कि क्या क्या है यहाँ पर हम लोग आए मैं आए हुए थे मैं आई हुई थी लिडल में तो कुछ थोड़ी सी यहाँ पर शॉपिंग करनी थी जरूरी चीज़ें जो मैंने लेती हूँ स्पेशली जो मैंने अपनी कुकिंग के लिए लेनी होती है

कि यहाँ पे आपके पास कोई हेल्प नहीं होती आपने घर का सारा काम जो भी करना है बाहर का घर का सारा खुद ही करना यकीन करें इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर खातन जो है ना उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती क्योंकि उन्होंने बच्चों को लेना छोड़ना घर के सारे काम देखने सिफाइयाँ करनी जो भी काम करने जितनी उनमें हिम्मत है वो सारा कुछ उन्होंने खुद ही करना होता है तो ये बात है कि पाकिस्तान और यूके की मैंने आज कंपैरिजन की है आप लोग मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया अगर किसी को मेरी बात से इख्तलाफ हो या वो कोई और बात ऐड करना चाहे तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं अब जैसा कि घर के हेल्प की मैं बात कर रही थी अभी पाकिस्तान में मैं कहती हूँ कि बिल्कुल आम से आम फैमिली भी जो होती है ना वो कम अज़ कम सफ़ाई के लिए और बर्तन धोने के लिए कोई ना कोई ना जो हेल्पर होती हैं वो ज़रूर रख लेते हैं मैं खुद अभी पाकिस्तान जब भी जाती हूँ हमेशा मैं यहाँ से ही मतलब अपनी अम्मी को कह देती हूँ कि मेरे आने से पहले अपने भाई को कह देती हूँ कि मेरे आने से पहले प्लीज़ किसी खाम वाली का किसी हेल्पर का मेरे लिए इंतज़ाम कर दें और मैं जाती हूँ कभी कभी मेरे पास दो दो हेल्पर भी होती हैं हालाँकि हमारा इतना इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं है इतना काम नहीं होता लेकिन घर माशाला बड़ा है जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि चले जितने दिन मैं हूँ उतने दिन तो मैं कम्प्लीट अच्छी तरह से घर के ना कोने कोने से सही करके सफाई करवा लूँ और कश्यप को भी हमेशा यही होता है वो जाने से पहले हमेशा जब भी हम लोग जा रहे होते हैं तो कश्यप यही कहती है कि मम्मा वहाँ जाके तो आप वो ना कि इधर से इधर कोई चीज रखनी है वो भी नहीं होगी क्योंकि हम यहाँ पे इतना कर करके थक चुके होते हैं तो कम से कम वहाँ जितने दिन हमने रहना है वहाँ पे तो हम रिलैक्स रहें ना आराम से रहें हमें कोई मसला बड़ी अच्छी बात कही है आप से पहले कोई ना कोई मतलब हेल्पर ढूंढ लेती हूँ और फिर हमने जाने से पहले जब भी हम बाहर जा रहे होते हैं उससे पहले मैं टाइम वही रखती हूं जो मुझे टाइम चाहिए होता है कि मुझे इतने दो तीन घंटे के लिए चाहिए वो सारे घर को जो भी मैंने करवाना होता है बर्तन धोवानी सफाई करवानी है कपड़े प्रेस करवाने हैं कुछ भी करवाना है यानी कि वो सारा करवाने के बाद तो हम अपने घर से निकलने से पहले हम हमेशा जो होता है ना बिल्कुल फ्री हो जाते हैं हम हमें पता होता है हमने वापस आना है कहीं काम जा रहे हैं खाना खाने जा रहे हैं जाहिर बात है अब पाकिस्तान में आप जा रहे हो इतने पैसे लगा के जा रहे हैं आप घर बैठने के लिए तो नहीं जा रहे ना तो आप मिलने भी जाते हो आप बाहर खाना खाने भी जाते हो आप घूमने भी जाते हो तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो करनी होती हैं वहाँ पर जी तो आज मैंने आप लोगों से कुछ जो थी ना मतलब कुछ एरियाज़ जिसको कहते हैं वो कवर किए हैं मैंने कोशिश की है कि मैं बताऊं अपने एक्सपीरियंस से मैं बताऊं क्योंकि हर एक का यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकता है शायद मेरे से कुछ लोगों का डिफरेंट एक्सपीरियंस भी हो लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ और वो मैंने बताई हैं कि जो यहाँ पे जिनके प्लस पॉइंट हैं जिन चीज़ों के और जिनके मतलब नेगेटिव जो हैं बातें है, वो मैंने आपको बताई हैं दोनों कंट्रीज़ का कंपेरिज़न किया आपने देखा कि कुछ अच्छी बातें पाकिस्तान की भी हैं कुछ अच्छी बातें यहाँ की भी हैं तो हर जगह पे कुछ अच्छी और बुरी बातें हर जगह पे होती हैं और जहाँ पे भी आप रहते हैं तो उनके रूल्स उनके रेगुलेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है तो हम भी वही कोशिश करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ही चलें तो आज का मेरा व्लॉग आप लोगों ने देखा कि मैंने सारा यानी कि ना इसी के बारे में बताया आप लोगों को कि यूके और पाकिस्तान की लाइफ के डिफरेंस क्या हैं इन दोनों के दरमियान में और मैं क्या फ़ील करती हूँ तो मेरी बहनें जो यहाँ पे रहती हैं यूके में वो मुझे ज़रूर बताएं कि उनको क्या फ़ील होता है क्या वो मेरी तरह ही फील करती हैं जो मैंने पूरी लाइक जिन जिन बातों को मैंने बताया है या वो मेरे से उनका डिफरेंट एक्सपीरियंस है तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो कोई बात अच्छी लगती हो मेरी किसी बात से आप इंस्पायर होते हो मेरी किसी रेसिपी से कोई भी चीज़ आप लोगों को मेरे मेरी वीडियो में अच्छी लगती है तो मुझे एक अच्छा सा पॉजिटिव कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आऊँ जी तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग एंड होने लगा है अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे तो जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में याद रखते हैं अल्लाह ताला उनके लिए भी ज़िंदगी की सारी राहें हमवार कर देते हैं जाने लगे हैं बाहर ठीक है एंड तक ये देखें सारी शॉपिंग की आपको चीज़ें मिल जाएंगी हर हाँ तरह की